गुड इवनिंग आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 10 की 10 तक। मैं हूं आपके साथ खुशी। आप उम्मीद है आपकी फैमिली अच्छी होगी, आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानी शुरू कराते हैं। आज की भी कहानी बेहद खास है और आज की कहानी है मेट्रो स्टेशन। तो माना जाता है कि मेट्रो स्टेशन में ये एक सबसे बड़ा हॉन्टेड एरिया कहा जाता है। अगर दुनिया भर की अगर हॉन्टेड प्लेस की बात करें तो हॉन्टेड प्लेसों में से ये एक ऐसा सीन क्रिएट किया गया है, जहाँ पर सीन क्रिएट इन द सेंस ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक लड़की की, एक लेडी की आत्मा वहाँ पर घूमती है। ये बात है दिल्ली के सेक्टर 9 के द्वारका की, जहाँ पर द्वारका में, दिल्ली में यह जो सेक्टर 9 है, इस इलाके में यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है, इस मेट्रो स्टेशन पीपल का पेड़ है। और वो पीपल का पेड़ के माना जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे, देखिएगा अभी हम आपको जो फुटेजेस दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए कि वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे में भगवान की भी मूर्तियाँ हैं, फोटोज रखी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर माना जाता है कि वहाँ पर एक औरत की, एक लेडी की, वहाँ पर एक फीमेल की एक रूह घूमती है, भूत है करके। अब वहाँ पर बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि वहाँ पर जो ड्राइवर्स है, या कह सकते हैं कि ऑटो रिक्शा चालक है, वो ये सारी कहानियों को मनगढ़ंत बनाकर वहाँ पर घुमाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने वहाँ पर खुद जब विजिट किया, बहुत से यूट्यूबर्स ने वहाँ पर जब जाकर विजिट किया, तो उन्हें खुद एहसास हुआ कि नहीं, वहाँ पर कोई है, कोई ऐसा, उनका जब रिव्यू अगर हम जानना चाहे तो उनका ऐसा कहना है कि वो कहीं पर उन्हें कोई थप्पड़ मारता है, बहुत जोरों का खींच कर थप्पड़ लगाया जाता है, ऐसा कोई कहता है, लेकिन वो दिखता नहीं, अदृश्य रहता है। ऐसा भी माना जाता है। और अगर इस कहानी के पीछे अगर हम देखें तो क्या मोड़ है, क्या रोक है, तो बता दें कि एक कहा जाता है कि कुछ सालों पहले करीबन 2017 के करीब वहाँ पर एक फीमेल की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और उसके मौत के कुछ घंटे पहले, या कह सकते कुछ मिनट सेकंड वगैरह पहले, उसे कोई बचाने के लिए सामने नहीं आया, और इसी चीज़ पर वो गुस्सा होकर, उसका इलाज ना हो सका, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है गया, हॉस्पिटल पहुंचाया नहीं गया, इसी कारण उसकी मौत हो गई और गुस्से में उसकी डेथ हो गई, ऐसा समझिए। सो इसी गुस्से के कारण वो वहाँ पर अभी भी भटकती है, ऐसा कहा जाता है। पर जहाँ पर बता दें कि दिल्ली में द्वारका में सेक्टर 9 में ये घटना सामने आती है, जहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, और मेट्रो स्टेशन का जो सेक्टर 9 है उस पर पीपल का एक पेड़ बताया जाता है, और उस पीपल के पेड़ के पास एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ हो जाता है। रात के समय उसका एक्सीडेंट होता है और कोई उसे बचाने के लिए सामने नहीं आता, इसी बीच उसकी मौत हो जाती है। सो इसी चीज़ के लेकर वो मरती है, और फिर वो वहाँ पर भूत बनकर वहाँ पर भटकती है। बहुत से यूट्यूबर्स भी बताते हैं कि वहाँ पर जाते हैं विजिट करने, खुद वहाँ पर लोग भी जाते हैं, वहाँ की अलग सी जो एक्टिविटीज़ है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, वो वहाँ पर खुद महसूस करने, लेकिन बहुत से लोग वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, ये सारी ऐसी अफवाह है, और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर कुछ भी है जो हमें खींचकर थप्पड़ लगाता है, हमें टॉर्चर करता है, समथिंग ऐसा कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उन्हें थोड़ी बेचैनी सी टाइप लगता है वहाँ पर। तो ये थी आज की कहानी, और ये कहानी है सच्ची घटना पर आधारित। 10 की 10 तक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे 10 की 10 तक में रात के 10 बजे। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़।
नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।